दीपावली की रात को हम लोग केक लेने गए थे क्योंकि 25 तारीख को उसका बर्थडे था, तो रात को 12 बजे केक कटिंग के लिए चलते हैं भाई को केक का सरप्राइज देने। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पिंटू। खाना पीना एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं कल रात के बाद नेक्स्ट डे इवनिंग में आपसे मिल रही हूँ। जी हाँ, क्यों मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको शायद पिछले ब्लॉग में बताया था कि जैसे दुर्गा पूजा यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही काली पूजा भी मनाया जाता है। तो बस लोकल थोड़ा बच्चों को, माँ को, सबको घुमाने ले जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है माँ ट्रेन से नहीं जाती है घूमने, और मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने भी आज तक कभी काली पूजा यहाँ घूमा नहीं है, तो चलिए देखते हैं लोकल में कैसा लगा है काली पूजा, क्या है, थोड़ा बच्चों को घुमा देते हैं और क्या। तो चलिए हम लोगों के साथ। और ये वाला पंडाल हम लोग के घर के बिल्कुल पास में बना था, एकदम नजदीक में, मतलब एक मिनट की भी दूरी नहीं हम लोग घर से। और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया था काली पूजा का पंडाल जो बनाया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा काली पूजा होता है दुर्गा पूजा के अलावा, बट इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया। और ये सिर्फ लोकल हम लोग घूमे जहाँ पे रहते हैं, सिर्फ आस पास का ये पंडाल है। अभी दुर्गा पंडाल का तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा बन सकता होगा, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अभी, तो बस मैंने लोकल में ही देखा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और आगे हम लोगों को लाइन भी लगाना पड़ा पंडाल देखने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वहाँ पैसा वसूल पंडाल में बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया था। इसके बाद जो हम लोग पंडाल देखेंगे वो तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोगों ने पंडाल देखा, वो था अपार्टमेंट की तरह था, बट अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था। आप आगे देखिए। जी हाँ, मैं इस पंडाल की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही लग रहा था कि घर में कोई अपार्टमेंट बना हुआ, बट ऐसा नहीं था। जब लोगों ने एंटर किया वो भी हम लोगों के घर के पास में था। लोग नॉर्मली हम लोग माठ बोलते हैं बंगाल में, मैदान को माठ बोला जाता है, वहाँ पर ऐसे लगा हुआ था पंडाल। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेला लगा हुआ था, झूला, वैरायटी के झूले थे, फूल था, बहुत अच्छा था। और यहाँ भी
मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और भाई दूज की भी। जी हाँ, वैसे तो गोवर्धन पूजा दीपावली के नेक्स्ट डे पड़ता है, बट चूंकि कल ग्रहण लगा था तो आज गोवर्धन पूजा है और भाई दूज भी आज ही है। तो गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग घर दाल भर के पूरी और वो गुड़ वाली खीर और सब्जी बनती है, जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोगों ने बनाया उसे। बट गोवर्धन पूजा अब नहीं अगल बगल यहाँ होता है, मम्मी लोग जहाँ रह रही है वहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आसपास कहीं हो नहीं रहा है। पहले हम लोग गोवर्धन पूजा करते थे अच्छे से, वो क्या गोबर से बनाया जाता था वो पूरा, मतलब बहुत अच्छे से होता था। तो अभी तो हो नहीं पाता है, क्या कर सकते हैं, तो मिस करते हैं पहले के दिन को और कुछ नहीं। बट हाँ, उस दिन जो खाना वगैरह बनता है वो बन चुका है और भाई दूज आज है, तो मैं नहा के पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और हाथ में पैसा ली हुई हूँ, जा रही हूँ जो चीज़ भाई दूज के लिए चाहिए मिठाई वगैरह वो लेने के लिए। भाई भी नहा रहा है, रेडी हो रहा है और मैं तो जा रही हूँ, लेके आऊँगी उसके बाद एंड रेडी होंगी। मैंने बोला कि तब तक तू रेडी हो जा, मैं लेके आती हूँ बगल से ही, मम्मी भी साथ में जा रही है, उसके बाद फिर आते हैं तो बाकी जो तिलक वगैरह होगा वो लगाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले जो लेना है उसको ले लेते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो ऐसा मेरा आज का लुक है, मैंने नॉर्मली एक सूट वेयर किया है और ये चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मम्मी के चूड़ी सेट में था तो मैंने इसे पहन लिया और मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी बस थाली रेडी करना है और मैं कैसे थाली रेडी करती हूँ आपको दिखाती हूँ फटाफट से। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वो थाली रेडी करने के लिए, ठीक है। थाली में रोली अच्छत और अच्छा सूत्र लिया है, फूल से सजाया है और सूखा नारियल लिया है। भाई दूज में जो होता है तिलक का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और तिलक के साथ आप अक्षत जरूर लगाएंगे, बिना अक्षत लगाए उसका तिलक का कोई महत्व नहीं होता है। और भाई दूज में सूखा नारियल दिया जाता है जो सुख और समृद्धि का एक क्या बोलते हैं प्रतीक है। और उसके बाद आरती कीजिए, आप मीठा खिलाइए अपने भाइयों को। और बाकी भाई दूज जो प्रणाम किया था वो क्लिप कट गया है, तो मुझे प्रणाम भी किया था इसके बाद बट वो ऐड नहीं हो पाया था। मैंने अपना भाई दूज ऐसे मनाया, गोवर्धन पूजा नहीं हो पाती अगर वो नहीं हो पाई मेरे लिए।